आज की वीडियो की शुरुआत हम वाराणसी के गंगा घाट से कर रहे हैं। वाराणसी दुनिया के सबसे पुराने और पवित्र शहरों में से एक है। वाराणसी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लगभग 300 किमी दूर है हमारे महादेव की नगरी काशी। अगर आप दूर दराज से काशी घूमने आ रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। गर्मियों में बहुत ही खाने का मन करता है आइसक्रीम और कुल्फी, मगर यहाँ पे देसी जुगाड़ से बनाया जाता है फालूदा, वो चल ले दिखा। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपको हम लेके आए हैं वाराणसी यानी सिगरा। दोस्तों इस समय गर्मी बहुत ही प्रचंड है, आप लोगों को हम ले चल रहे हैं लखनऊ की मशहूर जो फालूदा है वो बनारस में अब मिल रही है। और इस समय दोस्तों हम मौजूद हैं वाराणसी के सिगरा एपी मॉल के पास और हम चलेंगे यहाँ पे फालूदा खाने। और आप सामने देख सकते हैं उनकी दुकान नज़र आ रही है, अनामिका के नाम से है, कॉफ़ी एंड कुल्फी हाउस है और यह दुकान 1976 से बताई जा रही है। वो चल रहे हैं दोस्तों आप लोगों को हम दिखाने। दूध को 2.5 से 3 घंटा खौलाया जाता है जब तक इसकी रबड़ी नहीं बन जाती। जब रबड़ी बन जाती है तब इसको एक डिब्बे में भरा जाता है। इस वीडियो में पूरी आपको दिखेगा कि फालूदा कैसे तैयार हो रहा है। इस फालूदा में केसर, पिस्ता और शक्कर मिलाया गया है। डिब्बे को एक एक करके पैक किया जा रहा है। इस फालूदा को बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है। मैं कारीगर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि कस्टमरों को बहुत ही देसी जुगाड़ से और सही चीज खिला रहे हैं। मैदे की लेप से पूरा ढक्कन पैक किया जा रहा है। छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े हो रहे हैं और एक बड़े से हांडे में भरा जाएगा, वो भी पीतल वाले के हांडे में। ये देखिए बर्फ और नमक दोनों एक साथ मिक्स है, उसी के अंदर फालूदा है जो कुल्फी जमेगी। और फिर देखिए छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े हो रहे हैं, मतलब 2 से 3 घंटा लग जाता है बर्फ और नमक मिलाने में। और ये जो हंडा है हमें तो बहुत ही पुराना पीतल का लग रहा है। जब तक ऊपर तक भरा नहीं जाता है नमक और बर्फ तब तक इसको पैक नहीं किया जाएगा। एक बार फिर से नमक मिला रहे हैं ऊपर से। एक बार और ऊपर से नमक डाल रहे हैं और इसको बहुत ही अच्छी तरीके से घुमाएंगे। वो देखिए कैसे घुमा रहे हैं, ये या बहुत ही जबरदस्त तरीके से घुमा रहे हैं, या ऊपर से तो इसको पैक कर दिए, मतलब बर्फ और नमक और जो नीचे फालूदा है उसको अच्छे से तो पैक किए हैं। और ऊपर से देखिए किस तरह इसको पूरा अच्छे से जाम किया जा रहा है, मतलब अंदर का हवा बाहर ना निकल पाए तब जाके ये कुल्फी जमेगी और ये फालूदा तैयार होगी। अब हम चलें दोस्तों यहाँ के जो ऑनर है उनसे बात करें। नमस्कार भैया जी। नमस्कार, ये अपना नाम बता दीजिए। राजीव पाठक। मशहूर जी फालूदा बनारस में कैसे फेमस हो जी? बनारस में लखनऊ की मशहूर इसलिए लिखा रखा है यहाँ पे कि हम जो कारीगर हमारे पिताजी ले आए थे वो लखनऊ से ले आए थे, 1976 में ले आए थे वो कारीगर।
और उसने बनाना स्टार्ट किया था। एक लीटर दिन में बॉयल करके 400 ml बनाता था, तो इसीलिए हार हो जाना। अभी जैसे हम अभी रिकॉर्ड वगैरह कर रहे थे तो बता रहे थे कि इसमें जो दूध है पराग दूध का पूरा होता है, बड्डे का दूध पराग दोनों मिला के काम किया जाता है। अच्छा, दोनों काम किया जाता है। और बता रहे थे कि 56 लीटर दूध है टोटल, और कितना फोनने के बाद कितना कम हो जाता है दूध? 400 ml करते हैं। 400 ml पूरा एकदम रबी बन जाता है, तभी ये तैयार होता है। और क्या क्या मिक्स होता है पूरा एकदम विधि बताइए इसमें। दूध को बॉयल करके, एक लीटर दूध को बॉयल करके 400 ml बनाते हैं, उसमें चीनी मिलाते हैं, केसर गुलाब जल और पिस्ता, और कुछ नहीं मिलाते हैं। और कुछ नहीं? और जैसे होता है ना, जैसे कुल्फी बनाने के लिए कुछ उसमें पाउडर वगैरह मिलाया जाता है? कुछ नहीं, जमने के लिए ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं? ऐसा कुछ नहीं। कितने दूर दूर से आते हैं यहाँ पे, जो भी घूमने आते हैं पर्यटक खाने के लिए? खाने वाले तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, जैसा जिसकी पसंद होती है वो। गर्मियों का सीजन चल रहा है तो गर्मियों का ही काम है, मेन 2 महीने का काम होता है ये। अच्छा, कभी ये हुआ कि आपके कस्टमर आए, कस्टमर को फालूदा ना मिला? कभी कभी ऐसा हो जाता है, ना मिलता है। नाराज नहीं ना होते हैं? नहीं नहीं, नाराज तो होते हैं मगर हंस के नाराज होते हैं वो। और जैसे बहुत सारे पब्लिक का ये भी क्वेश्चन है कि हमें शादी विवाह के लिए ऑर्डर करना हो, किसी भी बर्थडे वगैरह के लिए, तो कैसे आपसे संपर्क करना हो? मिल जाता है, उसका ऑर्डर देना होता है और ट्रांसपोर्टेशन देना होता है, वो अपने ले जाके भी सर्व कर सकते हैं, आदमी जाता है तो उसका चार्ज लगता है। अच्छा, और किसी को बाहर ले जाना हो, जैसे यहाँ से दिल्ली आगरा, उसकी भी व्यवस्था है ले जाने के लिए, तो कंटेनर में दे देते हैं, कंटेनर में 6-7 घंटे तक टिका रहता है, कंटेनर का चार्ज होता है। सुबह में आपकी शॉप कितने बजे खुल जाती है? 10:30 बजे। और रात्रि? 10 बजे तक रहती है। अच्छा, 10 से 10 लगभग। 10 से 10 हाँ, क्या? और सुबह में जैसे फालूदा मिल जाएगा या शाम में ही मिलेगा? फालूदा 11 बजे से मिलना शुरू हो जाता है, सुबह 11 बजे, 10:30-11 बजे से मिलना शुरू हो जाता है, रात 10-10:30 तक मिलता है। आपकी दुकान पर और क्या क्या चीज़ मिलती है? नाश्ते के आइटम है, साउथ इंडियन है, छोले भटूरे ये सब हैं, और खाना भी आजकल चालू कर दिया है हमने, शुद्ध शाकाहारी भोजनालय भी चालू कर दिया है। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। रहने वाले आप कहाँ के? बनारस के। कब से खा रहे हैं फालूदा? 25 साल से। और इसमें गर्मियों का तो सीजन है, और गर्मियों में तो बहुत मन करता है खाने के लिए। जी जी। अच्छा लग रहा है। जी जी। क्या परिवार वगैरह के लिए भी आप ले जाते हैं? जी। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में। मेरा फर्स्ट टाइम था फूड ब्लॉगिंग करने का।